हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधाज होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर डुपर टेस्टी क्विक रेसिपी, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी, जिसका नाम है चना दाल लौकी रेसिपी। आज हम चना दाल लौकी की रेसिपी को डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लौकी ली है, जिसको हमने साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लौकी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और इधर हमने ये चना दाल लिया, इसको हमने 2 घंटे के लिए सोख करके रखा था। 2 घंटे सोख होने के बाद ये अच्छे से फूल गई है। तो चलिए अब हम लौकी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम सरसों के ऑयल को ऐड करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सरसों के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों का ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम कटली से चलाते जाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लौकी की रेसिपी को डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये हमने 1 तेज़पात और ये 2 साबुत लाल मिर्च को ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे। साथ में हम 1 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, लौकी की रेसिपी को आज हम डिफरेंट स्टाइल में बनाने जाने हैं, सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अब इसमें हम ये 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज पर भी अच्छी ब्राउन चिट्टी आ गई है और हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से भुन गई है। इसके बाद हम मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसे कड़चिली से चलाते जाएंगे ताकि मसाले हमारे तले पर चिपके ना। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और फ्रेंड्स, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। सो फ्रेंड्स, आज हम चना दाल लौकी की रेसिपी को अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ये पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हम मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग नहीं हो जाता। कड़छी से हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं ये लौकी। यह लौकी ग्राम्स में 500 ग्राम लौकी है। तो अब इसको हम ऐड कर देते हैं। साथ में हम ये चना दाल को भी ऐड कर देते हैं। ये हमने 1 कप चना दाल लिए थे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन को जरूर से प्रेस कर दें, साथ ही में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब हम सारे मसालों में लौकी और चना दाल को मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली फ्रेंडों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और आप भी फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब इसमें हमने ये स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की यह है कि टेस्टी के होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो अब इसमें हम ये 1/2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हम 10 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम लौकी को चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लौकी में अच्छे से उबाल आ रहा है। मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ को। और फ्रेंड्स, इस सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आम की सूखी खटाई। आम की खटाई को ऐड करने से पहले आप 5 मिनट के लिए उसे सोक करने के लिए रख दें। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये आम की सूखी खटाई नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आम की सूखी खटाई से यह सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से 4 से 5 आम की सूखी खटाई को भिगोकर रख दिया था। तो अब इसे हम ऐड कर देते हैं। इस खटाई से यह सब्जी बहुत टेस्टी बनकर आती है। तो अगर आपके पास ये आम की सूखी खटाई है तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब हम इस तरीके से चना दाल लौकी को बनाते हैं तो ये लौकी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। तो फिर से हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 6 मिनट बाद हम इस सब्जी को चेक करते हैं। वाव, सुपर्ब! देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि चना दाल लौकी की रेसिपी कितनी टेस्टी बनने वाली है। तो अब हम इस सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चना दाल को चेक करेंगे। चना दाल हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, तो यानी कि लौकी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं 1/2 चम्मच गर्म मसाला और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और फ्रेंड्स, कुछ लोग लौकी की रेसिपी को लिक्विड वाली पसंद करते हैं और कुछ लोग सूखी पसंद करते हैं। तो आपको जो भी पसंद आए आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आप इसे लिक्विड वाली भी बना सकते हैं और सूखी सब्जी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ इस सब्जी को इस तरीके से प्रिपेयर करूँगी कि ना ही ज़्यादा लिक्विड वाली हो ना ही ज़्यादा सूखी हो। इस तरह की यह सब्जी मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सब्जी तो हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लौकी की सब्जी हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप इस सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं चपाती, या फिर इस सब्जी को हम नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।